जी, आपकी टिप्पणी भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सरकार हैं और आपसे ये पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर बार बार ये कह रहा है कि यातायात बाधित होने की वजह से एक बड़ा तबका है निर्धारित हो रहे, तो सरकार कोई हल क्यों नहीं निकाल पा रही है? सरकार हल निकाल समस्या का समाधान हो जाता। शुभ्रा जी, इस देश के करोड़ों किसानों के हित को देखते हुए ये तीनों कानून बनाए गए थे और ये तीनों कानून जो है इस देश बनी गई लोकतांत्रिक व्यवस्था से लोकसभा और राज्यसभा लोग कुछ देश के राजनीतिक है और जो अजमा चुके और जो द्वारा उकसाए जा रहे हैं, सहयोग दिए जा रहे हैं, इनके द्वारा जो ये धरने पर बैठे हुए हैं, ये बात आज तक समझा क्या निकलता है? इसका नतीजा निकलता है कि पहला धर्म ये है कि आप तीनों कानून को वापस करो। और इतना ही नहीं, कहा जाता है कि तीनों कानून में काला क्या है, आज तक कोई किसान नेता नहीं बता सका। इन किसान नेताओं ने इस देश में तोड़ फोड़ करने की, इस देश में भ्रष्ट करने की, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को नष्ट करने के लिए, इस देश में संविधान को, सुप्रीम कोर्ट को, संसद को, आप किसी को नहीं मानेंगे, आप धमकी देंगे, आप कहेंगे हम फसलें जला देंगे, आप कहेंगे हम दिल्ली घेर लेंगे, आप कहेंगे लाल किले पर हम तिरंगा का अपमान करेंगे, आप कहेंगे